नेशनल और स्टेट आईएमए के आह्वान पर पूरे भारत में मिक्सोपैथी के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया गया है। इसके तहत 1 फरवरी से 15 फरवरी तक भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन किए जाएंगे। 9 फरवरी को जगह जगह पर कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। 6 और 7 फरवरी को दिल्ली चलो का आयोजन किया जाएगा और दिल्ली आईएमए हेडक्वार्टर पर डॉक्टर्स भूख हड़ताल भी करेंगे। इसी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद के डॉक्टरों ने देर शाम कैंडल मार्च निकाली और डिप्टी कमिश्नर आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा। डॉक्टरों की माने तो ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि नवंबर में भारत सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत आयुर्वेद के डॉक्टरों को डिग्री देकर भिन्न भिन्न प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। हमारी मांग है जो गवर्नमेंट ने जो नवंबर में सीसीएम की कहने पे एक आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सर्जरी अलाउ कर दी है उसके खिलाफ हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि आयुर्वेदा को हमारे साथ मिक्स ना करा जाए। आयुर्वेदा जो है एक हमारी जड़ी बूटी और पद्धतियों वाली जो है वो अपनी अच्छी तरह से हमारे देश में ये पद्धति चल रही है तो लोग उसमें विश्वास भी करते हैं तो उसको ख़त्म ना करें। हम तो एक उसके लिए हमारी है प्लस हमारी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर किसी भी पद्धति का अतिक्रमण हम नहीं चाहते हैं क्योंकि उसके आने से प्रॉब्लम तो लोगों को होने वाली है। जो लोग हैं वो उनको समझ ही नहीं आएगा कि हम आयुर्वेदिक सर्जन हैं के मॉडर्न मेडिसिन के सर्जन हैं क्योंकि उनको डिग्री में भी वो एमएस लिखने वाले हैं एमएसआई एमएसईएनटी एमएस सर्जरी और उनको ऐसी ऐसी सर्जरी से अलाउ कर दिया। वो लिस्ट पढ़ेंगे ना आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने फरीदाबाद में उस सर्जरी के 2-4 डॉक्टर ही देखे होंगे अभी तक इतने 35 सालों में जब हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते इतने मतलब क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत करेज चाहिए और आपको बहुत हाथ की सफाई चाहिए इसको करने के लिए तो ये 2 साल में उन डॉक्टर्स को कैसे अपग्रेड कर देंगे। तो हमारा उसके खिलाफ है कि आप कृपया करके इस डिसीजन को आपने करा है इसको वापस लें और आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों को ही खत्म होने से बचाएं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रकार की अनुमति देने से मरीजों को नुकसान होने की संभावना है। एलोपैथी में जो सर्जरी डॉक्टर को एमबीबीएस और उसके बाद 3 साल की एमएस की डिग्री करने के बाद कुछ और एक्सपीरियंस के बाद करनी आती है ऐसे में सर्जरी करने के लिए अगर आयुर्वेद के डॉक्टर को अनुमति दी जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिसका वह विरोध करते हैं। एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये है भारत सरकार से कि कभी भी कोई भी नीति अगर मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बनाई जाती है तो स्टेक होल्डर्स को जरूर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। पिछले कुछ सालों से ऐसे देखा जा रहा है कि कोई भी अगर नीति मेडिकल प्रोफेशन के लिए बनाई जाती है तो उसमें स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है और इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि शायद मोस्टली डॉक्टर्स से एलोपैथी वालों से डिस्कस नहीं किया गया और ये नीति बना के हम पर थोप दी गई है और इसका खामियाजा अब अगली जनरेशन को और जो आगे वाले जो आने वाले डॉक्टर्स हैं और सोसाइटी है उनको भुगतना पड़ेगा और ये अच्छा नहीं है। मेरा तो मेन एक यही कहना है सरकार से कि ठीक है नो दोहरा है कि आयुर्वेद जो हमारी है एक बहुत पुरानी पद्धति है एलोपैथी भी आई थिंक उसी से निकली है लेकिन उसको आयुर्वेद ही रहने दीजिए ना उसको खिचड़ी मत बनाइए। आयुर्वेद को प्योर आयुर्वेद अगर आप रहने दोगे तभी उसके अच्छे परिणाम आए। उसको अगर आप एलोपैथी के साथ मिलकर खिचड़ी बना देंगे तो वो आयुर्वेद जो एक अच्छा परिणाम देती थी वो भी नहीं दे पाएगी। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार की नई पॉलिसी के खिलाफ जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है तो क्या सरकार इस प्रदर्शन के बाद अपना फैसला बदलती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।